स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लास्ट माइल मूवमेंट के बारे में, और लास्ट माइल मूवमेंट के बारे में बात करें दोस्तों तो आज के डेट में लास्ट माइल मूवमेंट लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा स्पीड में फैल रहा है। छोटे छोटे प्लेयर तो है ही, बड़े प्लेयर भी इस मार्केट में अवेलेबल है। बड़े प्लेयर की मैं बात करूं तो ईकार्ट ईकॉम जैसी जो कंपनी है वो लास्ट माइल मूवमेंट के लिए ही मशहूर है, और आप लोग इसका फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हो तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आज अगर आप खुद का लास्ट माइल मूवमेंट का काम करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करने की जरूरत है, किस किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्या सेटअप चाहिए होता है, आपका खर्च कितना हो सकता है, इनकम कितना हो सकता है, इसका नेटवर्क कैसे आप डेवलप कर सकते हो, प्रॉफिट कितना होगा, और साथ में आप इसका वर्क कैसे कर सकते हो, तो ये सारे डिटेल्स में आज के डेट में इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों मैं लास्ट माइल मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। लास्ट माइल मूवमेंट एक्चुअल में पहले इस मूवमेंट को डिलीवरी बोला जाता था, जो भी मटेरियल बुकिंग होता है और जब वो लास्ट कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है उसके पास पहुंचता है तो उसको लास्ट माइल मूवमेंट बोलते हैं। और पुराने टाइम में, मतलब कि जब तक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इतना एडवांस नहीं था, उस समय इस मूवमेंट को डिलीवरी भी बोला जाता था। आप लोग जनरल भाषा में भी सुनते होंगे कि मटेरियल का डिलीवरी करना है तो उसको एक्चुअल में लास्ट माइल मूवमेंट ही बोलते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके बड़े प्लेयर में मैं बात करूं तो ईकार्ट और ईकॉम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लोग इन सारे कंपनियों का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहते हो इन सारे कंपनियों के साथ जुड़ करके, तो आप चाहो तो अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इसका बिजनेस भी आपको आराम से मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। वो कहां कहां से मिल सकता है आज मैं उसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए कि इसके लिए आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं आपको डॉक्यूमेंट की। अगर आप लास्ट मोमेंट का आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पहला होता है आपका एलाटबिलिटी, जिसको कि आप बोलते हो। अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में तो इसको कंसाइनमेंट नोट भी बोला जाता है, एयर इवेबिल भी बोला जाता है। तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से इस वर्ड का यूज करती है, आप इसको अपने बिजनेस के लिए कोई भी नाम दे सकते हो। इसके अलावा आपको जरूरत होता है दोस्तों जीएसटी का, जीएसटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस बिजनेस के लिए। इसके अलावा आपको चाहिए होता है बारकोड प्रिंटर, साथ में बारकोड प्रिंटर के लिए बारकोड प्रिंटर का जो पेपर होता है, जो रोल होता है, वो आपको चाहिए होता है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है डिलीवरी मैनिफेस्ट, उसका जरूरत आपको जब भी किसी मटेरियल का डिलीवरी भेजते हो तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए उस मैनिफेस्ट का जरूरत होता है, तो आपको इसका भी जो है स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको इसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस तरह का सेटअप का जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल सेटअप की। तो ऑफिशियल सेटअप में बात करूं दोस्तों तो आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर, अपने हिसाब से जिस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जितने एरिया में आप करना चाहते हो बिजनेस स्टार्ट, उतने एरिया के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर खास करके जरूरत होता है। इसके अलावा आपको जरूरत होता है टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी आप बोल सकते हो, जितने लोग आप अपने ऑफिस में बिठा सकते हो उनके लिए चेयर आप जरूर रखिए, मीटिंग करने के लिए चेयर जरूर रखिए, साथ में एक बोर्ड लगाइए व्हाइट बोर्ड, ताकि पर डे का जो डिलीवरी का शेड्यूल्ड है आप उस पर मेंशन कर सकिए, ताकि किसी भी मटेरियल का डिलीवरी लेट ना हो, और साथ में जो कलेक्शन आपको वहां से मिलता है उसका भी आप लोग डिटेल्स वहां पे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका सेटअप आप कितना दूर तक कर सकते हो और उसके लिए आपको कितने एरिया तक में जाने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों छोटे सेटअप की। तो सबसे छोटा आप सेटअप लीजिए मिनिमम 20 किलोमीटर के लिए आप इसका सेटअप पहले बना सकते हैं, और ये 20 किलोमीटर के अंदर जितने भी पिन कोड्स आते हैं आप उन सारे पिन कोड्स के लिए बाइकर्स, छोटे वाले जितने भी गाड़ी होती है, चाहे वो टाटा एस हो, पिकअप हो, इसके साथ ही जो साइकिल पे लोग डिलीवरी करते हैं, इन लोगों का अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि लास्ट माइल मूवमेंट जो है खास करके
बाइक या साइकिल से ही होता है। और दूसरा जो था, अगर बड़ा टाइप का कोई मटेरियल आता है तो आप उसको टाटा एस या फिर पिकअप से डिलीवरी कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको जरूरत होता है कुछ ऐसे बंदों की जिसको कि उन सारे एरिया का सही से जानकारी होता है। तो आपको ऐसे बंदे चूज करने पड़ेंगे जिनके पास बाइक हो या साइकिल हो, इसके साथ ही उस एरिया का अच्छे से उनके पास नॉलेज हो, ताकि उनको वो सारे एड्रेसेस खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनकम की। तो जो डिलीवरी होता है लास्ट माइल मूवमेंट का, ये तकरीबन आपको मिल जाता है 20 किलोमीटर तक में 1.5 से लेकर 2 रुपए पर किलो का। ये आपको मटेरियल के हिसाब से ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है, कहीं कहीं पे पार्सल वाइज भी आपको इसका एक जो है अमाउंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल का डिलीवरी करते हो तो उसका आपको अलग अमाउंट दिया जाता है, वहीं पे अगर आप कोई फ्रिज का डिलीवरी करते हो तो उसका अमाउंट आपको अलग दिया जाता है। बट अगर आप इसको पर किलो पे निकालो तो आपका जो ऑन एन एवरेज आएगा इनकम अमाउंट वो तकरीबन 2 रुपए किलो से लेकर 2.5 रुपए किलो तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सपेंसेस की। तो जो बंदा आपका मटेरियल डिलीवरी करता है, जैसा कि कुछ दिन पहले ही हमने बिहार में एक सेटअप करवाया एक कंपनी का, आप लोगों ने डिलीवरी का नाम सुना होगा। डिलीवरी के साथ मैंने किसी कंपनी का सेटअप करवाया बिहार में, हाजीपुर और सिवान में। तो वहां पर उनको मिला है तकरीबन जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.35 रुपए किलो पर मटेरियल का, पर जो आपका पैकेज होता है उसका, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। जबकि उनको जो इनकम मिल रहा है कस्टमर की तरफ से, मतलब डिलीवरी से जो उनको अमाउंट मिल रहा है वो है 2.20 रुपए पर केजी का। तो आप देख सकते हो कि आपको पर केजी यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना पैकेट या कितना केजी डिलीवरी कर सकते हो। अगर मैं जनरली में बात करूँ तो आपको जितनी भी कंपनी ई कॉमर्स की, खास करके जो आपके कस्टमर होंगे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, या फिर ई कार्ट हो सकता है, ई कॉम हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, इन लोगों का काम सबसे ज़्यादा मार्केट में है। इसके अलावे मेडिसिन कंपनी जितनी भी है उनका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, जो कि लास्ट माइल मूवमेंट के लिए होता है। तो वो भी आपको 2 रुपए 2.5 रुपए तक आराम से दे देते हैं। तो ये सारे कस्टमर आपके हो सकते हैं जिनका कि मटेरियल आपको डिलीवरी करना होता है। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 60 से लेकर 65-70% तक होता है। आपको जो मैं कैलकुलेशन बताया हूँ आप खुद वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं मंथली इनकम की बात करूँ, तो अगर आपके पास 1000 आइटम आप पर मंथ अगर आप डिलीवरी करते हो तो तकरीबन आपका जो कंपनी का इनकम होगा, प्रॉफिट जो होगा खास करके, वो तकरीबन 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा, अलग अलग जितने भी आपके एक्सपेंसेज हैं उसको पे करने के बाद। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े आर्टिकल की, जहाँ पे कि बड़े बड़े मतलब फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बेड हो गया, अगर ऐसे मटेरियल का आप डिलीवरी करते हो तो यहाँ पे जो आपका इनकम है और ज्यादा बढ़ जाता है। ये तकरीबन आपको मान के चलिए लगभग 2 लाख रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का है लास्ट माइल मूवमेंट का काम। अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो 20 किलोमीटर से सबसे पहला नेटवर्क आप ज्यादा खड़ा मत कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिनका मैंने स्टार्ट करवाया है, उनका 25 किलोमीटर का एरिया है जो कि हाजीपुर सिवान के नियर बाय है, और उनका बिजनेस जो है आज के डेट में बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो दोस्तों ये था लास्ट माइल मूवमेंट की पूरी जानकारी। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। अगर मैं पूरा वीडियो बताऊंगा तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा वीडियो हो जाएगा। तो उसके बारे में और भी जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।